प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत, विमर्श, चिंतन और ऐसे व्यक्तित्व पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो जीवन बदल देते हैं। और कई बार वो हमारे ही भीतर होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, इसको तो अंग्रेजी में आप कहते हैं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, गुरु। गुरु की अपनी महत्ता होती है, वो मार्गदर्शक होते हैं, अपने प्रिय पात्रों का कष्ट और दुख हरने वाले भी होते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका है कि वो जीवन में किसी भी व्यक्ति के जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसमें वो रोशनी की किरण फैला देते हैं। बड़ा कठिन भी होता है गुरु पर विश्वास करना, और आज 2022 में जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ तो क्षमा सहित जिन गुरुओं के गुरु घंटाल हो जाने की गाथाएं सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रचारित हैं, ये चिंता भी पैदा होती है। मैं ऐसे कई अपने मित्रों को जानता हूँ जो योग्य गुरु की तलाश में हमेशा रहते हैं, लेकिन अनेक आश्रमों में जाने के बाद भी वो इसी नैराश्य भाव से लौटते हैं कि वो श्रद्धा जो उपजनी चाहिए थी मन में, अब मैं नहीं जानता ये श्रद्धा, क्योंकि मेरा भी कोई अनुभव नहीं है कि क्या कोई वास्तविक गुरुत्वधारी होता है उसी को देखकर वो भाव उमड़ता है कि सब समर्पित है। तो आखिर गुरु है क्या, गुरु का पिंड है कैसा? बुद्ध कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने गुरु हैं। सनातन परंपरा कहती है बिना गुरु के गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद से भी भेंट कराने वाला, प्रभु से भी मुलाकात कराने वाला तो गुरु ही है। तो ये गुरु सनातन परंपरा के आरंभ से 2022 तक इसके क्या स्वरूप हैं, हम किस तरह से गुरु को पहचाने या गुरु ही हमको पहचानेंगे, और विश्वास करके हम कैसे उनके सानिध्य में बढ़ें, और एक ऐसे गुरु जो मार्गदर्शी भी हैं और जीवन बदलने वाले भी हैं, क्या उनके कुछ गुण दोष होते हैं, उनकी उन्हीं गुण दोषों से पहचान होती है, कई प्रश्न मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, और आज आप गुरु की भूमिका में हमारे साथ तो हैं ही, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी यही भाव है आपका, तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का। आज आपने एक ऐसा स्पंदन का विषय छेड़ दिया है जिस विषय का चिंतन करते हुए अंतर्मन आनंद में नृत्य कर रहा है। गुरु का नाम देख रहा हूँ आप भावना में डूब गए हैं। मेरे पिताश्री ही मेरे गुरु रहे हैं, वो ब्रह्मलीन हैं। जी 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 जी। तो मेरे अंतर हृदय में उनकी अनुभूति की लहर आई। वाह वाह वाह। जैसे ही गुरु का स्मरण आए वो पल वो क्षण परम भाग्य का होता है, परम सौभाग्य का होता जी, है जी। और यदि जिनके अंतर चिंतन में अपने गुरु के ज्ञान प्रकाश की अलौकिक लौ अनवर चलती है वो बड़े बड़ा भागी होते हैं, जीवन का बड़ा आनंद होता है। गुरु को श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात उद्धव जी से कहते हैं, का दस स्कंद में कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि गुरु एक पूरा नाम नहीं है, गुरु देव होते हैं। गुरु को कहते हैं गुरुदेव। तो वो संसार में रहते हुए भी लौकिकता से परे पारलौकिक स्वरूप के होते हैं, इसलिए गुरु की तरफ जब भी दृष्टि डालो देव दृष्टि डालो, उनकी तरफ मनुष्य के रूप में दृष्टि मत डालो। इसलिए गुरु जो है संसार सागर में चलते हुए ये नश्वर तनधारी मनुष्य जरूर होते हैं, लेकिन वो पारलौकिक स्वरूप में केवल देव ही होते हैं, वो ही होते हैं जो संसार में रहते हैं लेकिन सबको संसार से बाहर निकाल लेते हैं।
आपके भीतर समाये हुए सारे संसार को जो तिरोहित कर दे, जो अज्ञान को जो है उनका गुरुत्वाकर्षण ऐसा हो कि अज्ञान तम उनके गु उच्चारण मात्र से जो है तिरोहित हो जाए, वो गुरु होता है। आपके जीवन से अज्ञानता समाप्त कर देते हैं। गुरु अवस्था में छोटे या बड़े जो भी हो शरीर की अवस्था में, लेकिन आंतरिक स्वरूप में बालक की तरह होते हैं गुरु। जैसे आपके घर में ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप रखे होते हैं, लेकिन बाल मुकुंद का स्वरूप जो है वो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सभी घरों में विद्यमान होता है। आप ईश्वर को बालक के रूप में पूजने में बड़ा वो रखते हैं, उनके हाथ में लड्डू है या माखन है, जो भी स्वरूप है बालक के स्वरूप में तुम्हारे यहाँ विद्यमान रहते हैं। इसलिए कि परमात्मा आपको कहते हैं कि पहले अपने अंतर मन को बालक बनाओ, फिर मेरे दर्शन करो। जो उनका स्वरूप है वो भीतर बिठाओ ना, अपने आचरण में लाओ ना। तो गुरु का अंतर्मन बालक की तरह होता है, अर्थात पूरा निर्मल होता है, पूरा निर्मल होता है। तो गुरु जो है स्वभाव में बालक होते हैं, उनका मन बिल्कुल निर्मल होता है, उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। वो कृपा के रूप में कृपा कटाक्ष डालकर तुम्हारे जीवन से माया को विस्मृत करने का प्रयत्न करते हैं, तुम्हें ज्ञान नेत्र प्रदान करना चाहते हैं। वो आचार्य शंकर की वंदना करते हुए शिष्य कहता है कि परमात्मा मैं आपकी वंदना कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, मैंने तो इस मेघ को आकाश का अंग समझ लिया था, इन बादलों में आकाश ढूंढा करता था, आपकी कृपा हुई तो मैंने अनंत आकाश की अनुभूति की और उस आकाश में स्वयं की अनुभूति की और मैंने देखा कि ये मेघ तो माया के हैं, इस मेघ का आकाश से कोई संबंध नहीं। वो कहते हैं हे गुरुवर मैं आपकी कैसी आराधना करूं, कैसे पूजा करूं, मैंने तो उस छाए को यथार्थ समझ लिया था और उस छाए को देखकर सोचता था कि ये छाए ही जीवन है। आपने छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती, आपने बताया कि ये मूर्ता है, ये छाया तो संसार है, तो छाया नहीं है तो स्वयं प्रकाश है। वाह, तो स्वयं प्रकाश है, वंदना कर रहे हैं। वो कहते हैं गुरुदेव मुझे ये लग गया था कि ये जो दीपक की रोशनी है ना, इसमें ये तेल और बाती से ये रोशनी हो रही है, तो मैं तेल और बाती के पीछे लगा रहता था, लेकिन आप ही हैं गुरुवर जिन्होंने कहा ये तेल और बाती तो खत्म होने के लिए है, नष्ट होने के लिए है, प्रकाश थोड़ी खत्म होता है, वो तो अनंत है, अनादि है, अखंड है। बहुत सुंदर है, ध्यान रखिए जी। गुरु, गु से लोग कह देते हैं, गु यानी ज्ञान, रु यानी दूर करने वाले, अज्ञान तम को दूर करने वाले, गु प्रकाश, गुरु जो है तम, तो अज्ञानता को जो दूर करे। गुरु का बड़ा गुण अर्थ दूसरा है, पिताश्री कहते थे जो बलात् सोते में से जगा दे, जो स्वप्न में से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे और तुझे तेरे स्वरूप का दर्शन करा दे, वो गुरु का गुरुत्वाकर्षण है। वाह वाह वाह, बलात्, ऐसा नहीं कि तू सो रहा है तो प्रतीक्षा करे आज नहीं कल जगेगा, गुरु के गुरुत्वाकर्षण से तेरी नींद तिरोहित हो जाएगी, संसार निद्रा तेरी खत्म हो जाएगी। सर्वम खल एदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचना, नाना जो है कुछ नहीं, वो बता देंगे नाना कुछ भी नहीं है, ये नाना प्रकार के पदार्थ, ये नाना प्रकार के रिश्ते, तुझे आत्मा अनुभूति करवा दें, और जब तेरे में आत्मा अनुभूति हो जाएगा तो तू नमग्न संसार में रहेगा। गुरु की महत्ता इससे भी समझिए कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाता है, तुम अपने आत्मानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो, आत्मा की अनुभूति तुम्हारे पास हो जाती है, आत्मा का दिव्य प्रकाश तुम्हें महसूस होने लगता है, दिखने लगता है, महसूस अनुभूति में आ जाती है, तब तुम वहां बैठे हुए जब परमानंद में होते हो तब भी तुम उठते हो, किसके लिए, गुरु की वंदना करने के लिए कि प्रभु आपने मुझे ये प्रदान कर दिया, आपने मुझे ये प्रदान कर दिया, तब तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। वो गोविंद को खड़े देखकर भी जो उठकर आ जाए गुरु के पास में और कहे कि गुरुवर आपने मुझे इनसे मिलवा दिया, यानी इनसे परमात्मा जिनके सामने इनसे हो जाए वो होते हैं गुरु। तो गुरु की अनुभूति आपके जीवन में, गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस दिन गुरु परमात्मा की कृपा से तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हारा अंतर्चित्त आनंद की हिलोरे लेने लगेगा, अचानक तुम्हारे हृदय में तुम्हारी ऐसी तरंगे उठने लगेगी कि आपका हृदय आपके पास ही नहीं रहेगा, चला जाएगा। एक हुतो सो गयो श्याम सा। एक प्रश्न मन में जो आता है, जो कई लोगों ने मुझसे भी शेयर किया, मित्रों ने ही किया, क्या वो बहुत संदेही हैं जो गुरु पर, एक तो प्रश्न हमने इसके पहले लिया ही था कि वो कहते हैं सहज ही विश्वास ही नहीं होता,
हम देखते हैं, तो ये दृष्टि कहाँ से मिले, गुरु को पहचानने की दृष्टि कहाँ से मिले? देखिए, सबसे पहले तो चमत्कार की अभिलाषा से आप यदि गुरु ढूंढेंगे बिल्कुल चमत्कार से मुक्ति के लिए गुरु ढूंढिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात। ये चारों तरफ जो चमक रहा है ना, इससे मुक्ति के लिए गुरु ढूंढिए आप, तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो गुरु के पास जाते हैं तो आप लौकिक प्राप्ति के लिए जाते हैं। लौकिक विषय वस्तु से गुरु का कोई संबंध नहीं होता। कृष्ण कहते हैं उद्धव से, गुरु और शिष्य के पारलौकिक संबंध होते हैं, शरीर का संबंध नहीं होता। गुरु वहां भी मिलता है, गुरु यहाँ भी होता है, गुरु वहां भी मिलता है। शिष्य का पारलौकिक संबंध इतना उत्कृष्ट होता है कि गुरु जब अपना देह त्याग करता है तो पुत्र के से अधिक अधिकार शिष्य का होता है कि गुरु के देह को पंच तत्व में विलीन करे, क्योंकि उसका पारलौकिक संबंध होता है, देहगत भौतिकता से संबंध नहीं होता। गुरु के पास कागज के नोट नहीं चलते, गुरु के पास मुद्राएं नहीं चलती, गुरु का आकर्षण आपकी भौतिकता में नहीं होती। गुरु दुकान लगा कर नहीं बैठता कि चले आओ मैं तुम्हें ब्रह्म मिला दूंगा, तुम्हें ब्रह्म मिला दूंगा, वो कुछ नहीं करते। वो तो संसार में देखते रहते हैं, जहाँ भी उनकी दृष्टि में लगता है कि आहा इसके अंतर चित्त में श्रद्धा रानी आई है, भक्ति उमड़ी है, वहीं वो कृपा बरसाने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए गुरु का प्रकाट्य होता है, ध्यान रखिए, गुरु मिलते नहीं हैं, गुरु प्रकट होते हैं, गुरु का प्रकाट्य होता है जीवन में। गुरु जो है दैहिक संपर्कों से विरक्त होता है, गुरु केवल और केवल आपको आपके घर का पता बताता है। भागवत जी में जनक से संवाद करते हुए नव योगियों का संवाद है, और वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उनसे पूछते हैं ये भागवत भागवत क्या है, ये भागवत नाम क्यों दिया है, तो वो कहते हैं ये वही है, ये वही है जिसे भगवान ने कहा है। वाह, ये वही है जिसे भगवान ने कहा है, इसलिए इसका नाम भागवत है। बोले किसके लिए कहा है, तो कहते हैं अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि भागवतान हितान, किसी विद्वान पुरुष के लिए नहीं कहा है। गुरु को कोई विद्वान नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु जो है निर्मल, बिल्कुल खाली लोटे में जल भरने के लिए मिलते हैं, अमृत की तरह ज्ञानामृत प्रकट करने के लिए मिलते हैं। तो किसी विद्वान को गुरु की तलाश नहीं हो सकती। फिर वो विद्वान तो पहुंचेगा तो उनके फिर आचार्यों से उनकी भेंट वार्ता होती है, फिर शास्त्रार्थ शुरू होता है, फिर तरह तरह के उनके संवाद शुरू होते हैं, फिर कौन छोटा कौन बड़ा, ज्ञान पथ में तो बड़ा टकराव है। जो निर्मल होते अंजा, जो सहज हैं, सरल हैं, आप जितने सहज हो जाएंगे उतने गुरु के सन्निकट हो जाएंगे। जितने सहज हो जाएंगे आपके जीवन, हमारे जीवन की सारी असहजता गुरु हरण कर लेते हैं। गुरु के पास जब भी जाएं आप, लौकिक प्रश्न लेकर कभी मत जाएं। यदि लौकिक प्रश्नों के लिए आप पहुंचे हुए हैं तो फिर आप कर्मकांड की माया में हैं, फिर आप लोकाचार में हैं, फिर आप पूजा के पथ पर हैं, फिर आप विभिन्न प्रकार के देवी देवता द्वैत मार्ग में हैं, फिर आप कि मैं शुक्रवार को कौन सी देवी का व्रत करूं, मंगलवार को किन का ध्यान करूं, शनि मेरे के ऊपर जो है प्रतिकूल हो गया है। अब मुझे बताइए देवताओं को कहां से पड़ गई वैमनस्यता, मनुष्यों के साथ बैरी बन करके। लेकिन आपने बना लिया है गुरु मेरा अच्छा नहीं है, अच्छा गुरु अच्छा नहीं, वो मेरा जो मंगल प्रतिकूल चल रहा है, कमाल है, ज्योतिष में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मंगल प्रतिकूल चल रहा है। ये सब देव हैं, कृपा बरसाने आए हैं। बिल्कुल, जिस दिन तेरे अंतर्मन में साम्य बिंदु हो जाएगा, वो नक्षत्र वहां से केवल बरसा ही कर रहे हैं। सारे 27 नक्षत्र चंद्रमा का सानिध्य लेकर बरसात की तरह तेरे जीवन को भिगोने के लिए बैठे हुए हैं। तो कर्म तो कर। तो गुरु जो है मृग तृष्णा के जल की चाह को समाप्त कर दे। वाह वाह वाह, तुझे तृप्त करते हैं ज्ञानामृत दे करके। गुरु जो है उजर धरती पर, अनुपजाऊ धरती पर, वहां भक्ति का बीजारोपण करके तेरे चित्त में अनंत आनंद की हिलोरें उत्पन्न कर देते हैं तेरे मन में। तो गुरु जो है भाग्य से मिलता है, और गुरु जो है सहज होते हैं। जितना वितंडावाद चहुं और है, आप देखिए गुरु की सहजता देखिए ना। सुदामा भी वहीं पढ़ रहे हैं और कृष्ण भी वहीं पढ़ रहे हैं, भगवान भी वहीं पढ़ रहे हैं और भक्त भी वहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं है कि सांदीपनी ने कृष्ण को विशेष प्रेम किया हो और सुदामा को विशेष प्रेम ना किया हो। उन्होंने तो ज्ञानामृत देना है। गुरु की दृष्टि सम दृष्टि होती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो जो प्रश्न मुझे, एक उत्तर तो मिल गया और बड़ा गंभीर उत्तर मिल गया कि गुरु के पास जो, माफ कीजिएगा, वो गुरु जो सांसारिक दृष्टि से आपको समृद्ध करने का दावा करते हैं, और आप भी तो इसीलिए जाते हैं,
आप वहाँ मोक्ष और मुक्ति और उसके आनंद को अनुभव करने के लिए कहाँ गए हैं? आप तो अपने सांसारिक क्लेशों से निवारण के लिए वहाँ पहुँचे हैं। पुत्र की शादी करा दीजिए, नहीं हो रही है, पुत्री की बीमारी ठीक कर दीजिए, नौकरी में लगातार अड़चन आ रही है, समस्याएं पैदा हो रही हैं, घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट जाती हैं जो जो आपके मनोजगत की घटनाएं हैं, तो आप जैसा गुरु ढूंढते हैं तो गुरु का प्रतिसाद भी वैसा ही होता है। अगर गुरु को देखकर आपको ऐसा लगा कि ईश्वर अगर होगा तो शायद ऐसा ही होगा, जैसा गोस्वामी जी को मैंने देखा कि नेत्रों में जल भर आया, क्योंकि गुरु की बात होते ही अपने पिता जो उनके गुरु रहे, जिनसे सारी दीक्षा उनके जीवन की है, क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आप अंधभक्त हो जाते हैं, इसीलिए आप वहाँ वैसे ही लुटते हैं, कई बार माफ़ कीजिएगा, वैसे ही आपके साथ व्यवहार हो जाता है, और आप कई बार तो जीवन पर्यंत आपको नहीं समझ में आता कि आप इस माया बाजार में किसके पास पहुँचे। जी देखिए, एक तथ्य और कहूँगा, गुरु हमारे जीवन में अभ्यास भी कराते हैं, संसार की माया ऐसी विरक्त नहीं हो सकती, तो गुरु हमारे लिए संसारिक प्रक्रियाओं में भी आवरण वो करते हैं। सबसे पहले वो हमें प्रत्यक्ष शांति देने का प्रयत्न करते हैं, हर प्रक्रिया में धीरे से हमें ऊपर के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो विधान से आपसे सीधा कहते हैं कोई, आओ आज तुम्हें आत्म तत्व का उपदेश देना है, तो आप विस्मृत हो जाएंगे। कोई आपसे पहले कहे वाह अच्छा 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 बहुत अच्छा, क्या व्यापार करते हैं, अच्छा क्या नौकरी, बहुत बढ़िया, आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं, बहुत बढ़िया। गुरु आलोचना नहीं करते, गुरु निंदा नहीं सुनते, गुरु निंदा नहीं सुनते, गुरु आलोचना नहीं करते, गुरु निंदा नहीं सुनते। आपको वो तरह तरह के मार्गों से लेते हुए एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान रखिएगा, सदगृहस्थ जो होता है ना, हमारे यहाँ तो एक गादी बनी हुई थी, प्रत्येक परिवार में गुरु गादी सुनिश्चित थी, उनके कुल गुरु हुआ करते थे, ऐसे सन्मार्गी गुरु हुआ करते थे जैसे दशरथ के वशिष्ठ हैं, कुल पुरोहित कुल गुरु हुआ करते थे। तो जब भी जीवन में ताप आए, जब भी निर्णय लेने में असुविधा हो, जब भी विषयों का प्रकोप बढ़ रहा हो, तो वो गुरु के शरण में चले जाते थे, और वो गुरु के पास पहुंचे और गुरु कहे क्या बात है, तुम्हारे मुख कमल पर तेज नहीं है, गुरु जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। गुरु बाहरी वो सत्ता होता था जिसका लौकिक जीवन में प्रवेश नहीं होता था, कहीं स्वार्थ नहीं होता था, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसलिए हो जाता कि जो गुरु जी कहें गुरु से मार्गदर्शन लेके आ जाएंगे। गुरु कहते थे पुत्र का योग्य समय आ गया, पुत्र का विवाह करो देखो, पुत्री का विवाह करो देखो, ये जैसे परिवार में जो है एक सहज गृहस्थ जीवन में, कहीं मैंने तो ऐसा भी देखा, मेरे पिताश्री के पास बहुत जाते थे, गुरुजी 15 दिन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमसे नाराज़ हो गए हैं, और ये बोले गुरुजी नहीं ये बड़ा तीखा बोलती है, तो पिताजी बड़े प्रेम से डपटा करते थे उनको, अच्छा भूल गई, तुझे मैं लेके आया हूँ और तू मेरे सामने हुआ है, तुम लोगों में इतनी अकल आ गई कि लड़ोगे, वो लक्ष्मी है बेटा, कैसी बात कर रहा है, उसको अपन लेके आए हैं, पराए घर की पुत्री है, और तुम मूर्ता बंद कर, ओ जी गुरुजी करके दोनों बैठते थे और प्रसन्नता से चले जाते। गुरु जो हैं सहज रूप से आपको सुख देते हैं, बाद में उसी सुख को आनंद में परिवर्तित कर देते हैं। गुरु दुख और पीड़ा के समय तुम्हें शांति की औषधि प्रदान करते हैं, तुम्हारे जीवन में शांति संबल देते हैं, धैर्य, सब ठीक होगा, परमात्मा सब ठीक करेगा, मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण हर लीना। गुरु वो हैं जिनके मिलते ही सारे दुखों का अंत हो जाता है, एकदम तृप्त की आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए सदगुरु जो होते हैं, जिनसे हम दीक्षित होते हैं, जिसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं अपने जीवन की सभी समस्याओं को, गुरु और वैद्य के पास, गुरु और वैद्य के पास कभी भी कोई कपट नहीं करना चाहिए, कोई कपट नहीं करना चाहिए। गुरु जहाँ रहते हैं उससे दूर रहिए, इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों के आश्रम बाहर बने होते थे, क्योंकि अगर गुरु के आसपास आप रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, आप गुरु जी की तरफ देखने लगेंगे, आज कौन से रंग का पहना है, आज गुरु जी कैसे दिख रहे हैं, आज उनका लड़का कहाँ गया है, तो आपकी देव दृष्टि विलुप्त हो जाएगी। श्रद्धा याग्नि शमद्धते, श्रद्धा वुईते हवि, श्रद्धाम भगत संवर्धनी वर्षा वेदिया मसी, उनको श्रद्धा के साथ देखें, उनके वचनों पर विश्वास रखें और सन्मार्ग पर वो चलते हुए रहें। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन जैसा भी हो, गुरु कृपा से तुम्हें उसकी अनुभूति जरूर होगी। बहुत सुंदर बात, और गुरु का वो विनम्र भाव, और बिना किसी दावे के अपने प्रिय पात्रों के कष्ट को हरना,
प्रोफेसर गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर पुस्तक है योगी कथामृत। इस पुस्तक में एक गुरु हैं लाहड़ी महाशय, बहुत ही सिद्ध व्यक्ति हैं। लाहड़ी जी का नाम मैंने सुना है। रेलवे के कर्मचारी रहे, ये 19वीं सदी के आसपास की बात है। उनके अंग्रेज बॉस एक दिन कहते हैं कि लंदन में मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके बचने की संभावना बहुत कम है, और यहाँ भी काम इतना अधिक है, और मैं गया भी तो पानी के जहाज़, 20 दिन 15 दिन 10 दिन का समय, अब मुलाकात होगी कि नहीं। वो बहुत कम बोलते थे लाड़ी महाशय। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप निश्चिंत रहिए, वो जल्दी आपसे मिलेगी। एक महीना बीतते बीतते पत्नी आ जाती हैं, उसी समय किसी काम से लाहड़ी महाशय का कक्ष में आना होता है, और उनको देखकर वो अंग्रेज स्त्री चीख पड़ती है, तुम यहाँ कैसे? इतना सुनते ही लाहड़ी महाशय अपनी विनम्र मुस्कान के साथ झेपते हुए लजाते हुए तुरंत बाहर निकल जाते हैं तीर की तरह। वो ऑफिसर चौंक कर कहता है ये लाहड़ी है, हमारा मुलाजिम है, तुम कैसे जानती हो उसको? उसने कहा यही तो आए थे एक महीने पहले मेरे पास, और इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम स्वस्थ हो जाओगी, तुम्हारा पति बहुत चिंता करता है, और तुम अपना टिकट करा लो 25 तारीख का। अब ये घटनाएं, इनका एक और छोटी सी घटना उनकी कि एक अपने शिष्य के साथ जा रहे हैं, अचानक कहते हैं जल्दी धोती फाड़ जरूरत पड़ेगी। वो जब तक शिष्य प्रश्न गिरता है ऊपर से एक खपरैल गिरता है और उनके पैर को चोटिल कर देता है। कितनी सहजता है, अद्भुत जी। ये गुरु महिमा पर और गुरु की अनुभूति अनंत होती है जितनी आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सावधान आज के दर्शकों को बहुत आवश्यक है जी कि चमत्कार या जनश्रुति आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, और इसलिए यदि आप उनके पीछे दौड़ते हैं तो ये गलत है, तो फिर आप कहीं अंध सड़क पर ना दौड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, किसी चमत्कार की अभिलाषा से ना जाइए, बल्कि उनसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर जाइए। ठीक बात। गुरु तो सहज गृहस्थ भी होते हैं और सहज गृहस्थ सहज मार्गदर्शन आपको करते हैं। गुरु सन्यासी भी हो सकते हैं, वीतरागी भी हो सकते हैं, गुरु कोई हो सकता है। गुरु तो आपकी माँ भी है ना, गुरु तो आपके पिता मित्र भी है, गुरु तो आपके मित्र भी है। तात मात बंधु सखा बहुविध हित मेरो, तो आपके साथ जो भी हितार्थ, ध्यान रखिए, जो भी आपको सत्कर्म की ओर प्रेरित करे, जो भी कुमार्ग में पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हो जाए, जिसके विचार में अनंत आनंद हो, जिनकी शब्द संरचनाएं आपके कानों में गूंजते ही आपको संगीत की अनुभूति दिलाता हो, और जिनके स्मरण मात्र से आपके अंतरचित्त के सारे विकार तिरोहित हो जाते हों, वो होते हैं गुरु। बहुत सुंदर बात है। तो शिष्य होने की पात्रता है निर्मल मन और एक ऐसी बुद्धि भी, जितना मैं समझ पाया गोस्वामी जी के साथ, जो अर्जुन के पास भी रही और हर उस शिष्य के पास होनी चाहिए जिसमें इतनी विद्वता तो होनी चाहिए कि वो अंतर मन की हिलोरों का अनुभव कर सके अपने मन में। जो किसी सदगुरु के पास जाने पर, जैसे आप किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, अचानक आप कहते हैं वाइब्स बड़ी अच्छी आ रही हैं, बड़ी अच्छी तरंगे मैं महसूस कर रहा हूँ, ये क्या है? आप कई जगह जाते हैं शायद वैसा अनुभव नहीं करते हैं, मन उतना ही अशांत होता है जितना था, और कई जगह या कुछ व्यक्तित्वों से मिलकर आपके मन के विकार शांत होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत तो ऐसे हैं। तो गुरु के पास पहुंचने के पहले आपके पास एक सुग्राही मन होना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा रिसेप्टिव एंटीना होना बहुत ज़रूरी है जो अपने अच्छे गुरु के साथ संपर्क स्थापित करके उन तरंगों को ग्रहण करे और फिर श्रद्धावनत होकर प्रणाम करे कि सही मार्ग पर आ गया। नहीं तो बिल्कुल ठीक कहा गोस्वामी जी ने कि जनश्रुतियाँ हमें जिस तरह बताती हैं कि गुरु कष्ट हर लेते हैं, तो शायद 90% या उससे भी अधिक लोग कष्टों को हरने के लिए ही जाते हैं, और फिर ऐसे बाबा भी प्रकट होते हैं जिनके भभूत में पैरासिटामोल मिला रहता है, जिनके भभूत में स्टेरॉइड्स होते हैं, और क्षणिक कष्ट की मुक्ति आपको उस गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा से भर देती है। जी देखें, एक सामान्य चिंतन समझिए, एक कांच है, एक पत्थर है, एक कांच है, एक पत्थर, एक महामणि है, हीरा है, हीरा है। आपके जीवन में हीरा मिल गया तो आप क्या करेंगे उसे? सहेज कर रखेंगे ना, ताकि लोगों को ऐसा सामने ना दिख जाए, लेकिन कांच जो होगा चमकता हुआ वो आप दिखाते रहेंगे। ध्यान रखिए, आपके अंतरचित्त में ज्ञान हीरे की तरह है और चमत्कार उस कांच की तरह है,
तो आप कांच के पीछे मत दौड़िए, ज्ञान के पीछे दौड़िए, क्योंकि जब आप चमत्कार के पथ पर चलेंगे, जब आप इन दूसरा एक बहुत आवश्यक बात, तेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु वैसा है, वो गुरु यहाँ है, ये समय भी ना निकालें। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, किसी की श्रद्धा कहाँ निहित है, जहाँ श्रद्धा समाहित हो गई तो श्रद्धा ही स्वरूप लेकर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप तुम्हारे जीवन में आनंद रोहित। बिल्कुल आपने सही तो कहा। कौन किसे, दत्तात्रेय भगवान हुए, उन्होंने तो 24 गुरु बनाया, उन्होंने किसको छोड़ा, जहाँ ज्ञान मिले, बड़े पावन ठौर पर कंचन जतन कोए। तो कभी ध्यान रखिए, अगर आप सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं और गुरु की तलाश आपको है या गुरु का प्रकाट्य आपके जीवन में होना है, उसकी पहली निशानी यही होगी कि द्वेष और निंदा से आप मुक्त हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और द्वेष और निंदा गुरु के पास जाने के पहले ही नहीं, संसार में भी द्वेष और निंदा ऐसे तत्व हैं जो आपको बहुत गहरा भीतर तक लहूलुहान कर देते हैं। दूसरों के कष्ट में आनंद देखना या तुलना प्रतिस्पर्धा में उलझना, ये निश्चित तौर पर आपको विकृत करता है। और एक विकृत मन न स्वयं के लिए ठीक रास्ता ढूंढ पाता है तो गुरु को वो क्या ढूंढ पाएगा। तो निर्मल मना होकर आगे बढ़िए और देखिए, हो सकता है गुरु आपके आसपास ही हो, आपके परिवार में ही हो, आपका कोई मित्र ही निकले हो, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन ही आपके लिए गुरु हो, या जो भी है, या आप ही अपने गुरु हों। तो इसको ढूंढने के लिए निर्मल मन होकर, राग द्वेष से परे होकर जरा बैठकर ठहरिए, संभलिए और ढूंढिए अपने गुरु। कितनी सुंदर बात है। बहुत प्रणाम करता हूँ, बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी, बड़े ज्ञान चक्षु आज की चर्चा में खुले हैं। आपको भी निश्चित तौर पर बहुत आनंद आया होगा। तो कोई तुलना प्रतिस्पर्धा मत करिए, ढूंढिए सच्चे अंतर मन से अपने गुरु को, वो भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब अनुमति दीजिए, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।